हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग DIY वीडियो। फ्रेंड, अभी तक आपने जो मेरे वीडियो देखे हैं वो ज़्यादातर सारे ही रिव्यू थे, जो कि मेकअप प्रोडक्ट रिव्यू थे। अब मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग DIY वीडियो लेकर आई हूँ, और ये है मेरे पास 2 टाइप से आईलाइनर बनाना, और ये 2 कलर का है फ्रेंड, एक ब्लू और ब्लैक, और दोनों ही अलग मेथड से बनाए हैं मैंने। तो आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये दोनों ही आईलाइनर बहुत ही बढ़िया कलर के हैं, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं, ये है मेरे पास ब्लू कलर का एक आईशैडो है और दूसरा है मेरे पास काजल। तो हम पहले ब्लू कलर का आईलाइनर बनाने जा रहे हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा ऐड करने वाले हैं विटामिन ई ऑयल, क्योंकि ये थोड़ा थिक होता है, तो इससे हमारा जो आईलाइनर है वो थोड़ा थिक रहेगा। तो आपके पास अगर खुला हुआ है तो कुछ ड्रॉप उसकी डाल दीजिए, और नहीं तो एक कैप्सूल आप इसमें डाल दीजिए। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसका पेस्ट थिक बना सकते हैं। तो इसका थोड़ा थिक ही पेस्ट बनना है, जिससे कि वो हमारे आईज पर अच्छे से लग जाए। अब ये रेडी है, लेकिन मैं इसका स्वाच आपको बाद में दूंगी, जब तक मैं दूसरा वाला ब्लैक कलर का आईलाइनर और बनाती हूँ। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें चाहिए काजल पाउडर, और ये मैंने DIY पाउडर बनाया है। तो आपको मैं बताऊंगी कि घर पर हम काजल कैसे बनाएं। तो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काजल पाउडर ले लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बेबी ऑयल ऐड कर देती हूँ, इसमें सिर्फ 2 ड्रॉप ही डालनी है आपको, और इसमें थोड़ा सा डालना है हमें वैसलीन, और इसको अब हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो वैसलीन से ये थोड़ा थिक हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ओनली ऑयल डालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा पतला रहेगा। तो थिकनेस लाने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा वैसलीन ऐड किया है, तो ये बहुत ही अच्छे से जेल की तरह हो गया है। अब ये देखिए, ये वाटरप्रूफ तो है फ्रेंड, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एकदम 100% स्मज प्रूफ हो। तो उसके लिए आपको जैसे काजल की केयर करनी पड़ती है, तो वैसे ही इसकी भी केयर करनी पड़ेगी, थोड़ा सा साफ़ का सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ब्लू कलर का है, बहुत ही बढ़िया कलर है, बहुत ही बढ़िया आईलाइनर है। अगर आपको कभी भी ऐसे बनाना है तो आप इसको ज़रूर बनाइए। और ये देखिए, मैं आपको ब्लैक कलर का आपको स्वॉच दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का भी काफ़ी डार्क है, इसका कलर बहुत डार्क है, और इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है। और ये दोनों ही लाइनर बहुत ही अच्छे हैं, ये दोनों ही जेल आईलाइनर हैं। आप देख सकते हैं ये कितने जेली हैं, आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आपको ये मेरा DIY वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, जिससे कि मैं आपके लिए और भी DIY वीडियो बनाऊं, और साथ में मैं मेकअप प्रोडक्ट रिव्यू भी लाती रहूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।